Hello friends, so I am Abhagar, your lead mentor, the expert too. So today our topic is the formal revision of the kinematics. फिर आप लोगों के हो गया होगा, पहले अपन ने वेक्टर वाले चैप्टर को रिवाइज किया था, अब अपन रिवाइज करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन या जिससे काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो इसके अपन इंपॉर्टेंट फॉर्मुले देखेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मुले से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ईजी है, अपन ने 9th 10th में भी किया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो ये वाला डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट ए बी सी कवर्ड बाय पार्टिकल इन डेफिनेट टाइम इंटरवल फॉर डिस्टेंस, मतलब जो ये ए सी बी, ये जो पूरा जो है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है पार्ट, इसको जो पूरा डिस्टेंस कवर किएगा उसको अपन डिस्टेंस देंगे, और इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है मतलब ए सी बी, अब अपन को ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट जाए तो इसके दो रास्ते हैं, तो ए सी बी जाए या ए से बी जाए, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर ए सी बी तो हो गया डिस्टेंस और ए सी बी हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस एज अ जनरल टर्म है, ठीक है। अपन बात करते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी टर्म है वो रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड टर्म है वो रिलेटेड है डिस्टेंस से, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, और स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो अपने 9th में भी पढ़ा है, ये दोनों चीजें अपन ने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ी थी, ठीक है। तो वेलोसिटी पर जैसी वेलोसिटी देगा अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और अगर स्पीड है तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू में आ जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, मतलब इक्वल भी हो सकता है लेकिन ज्यादा हमेशा डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। और एवरेज स्पीड भी ज्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। और अगर डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, तो कुछ इसके अंदर पॉइंट है कि एटलीस्ट एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी होगी, मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट, तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। और सेकेंडली कि द बॉडी मस्ट हैव रिटार्डेड ड्यूरिंग द मोशन, और ऐसा कभी नहीं होगा कि बॉडी से एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, उसका जो वेलोसिटी है वो कम होगी। तो वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो एक्सीलरेशन बोलते हैं, अगर कम होती है रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा ही होगा। और स्पीड इंक्रीज एक्सीलरेशन वेलोसिटी बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, और स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, एक्सीलरेशन या वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक्सीलरेशन की, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, वही चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इनमें से कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी थी, मैं लिख देता हूँ एक बार, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है इसके अंदर एक बार। एक तो वेक्टर क्वांटिटीज थी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो उसका शेडेड एरिया अपन को क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है तो उसका शेडेड एरिया बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है। फिर अपन बात करते हैं ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें कि अगर डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है, तो डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है तो निकालेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब वो होता है कुछ कुछ इक्वेशंस हो गए आपने पढ़ी होगी। देखो एस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। ए इज इक्वल टू वापिस लिखता हूं मैं, मतलब एक्सीलरेशन वाली इक्वेशन होती है ए इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो वी डी बी बाई डी एक्स, अगर उस वाले फॉर्म में दे रखा है तो, ठीक है। और दूसरी अपने पास होती है वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है। ये तो एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वी इज इक्वल टू
एडीटी और डीएस इज इक्वल टू वीडीटी, ठीक है। ये होता है ये वाला जो चार्ट है, इसको ऐसे याद करना है, ठीक है। ये कुछ कुछ ग्राफ है, ठीक है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन, तो ये वाला आएगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी नहीं उसके अंदर, और वीटी ग्राफ है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एसटी ग्राफ है तो ये बनेगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म है, अगर उसके अंदर एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है, तो ये वाला होगा। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं इनसे, ये लास्ट एंड फाइनल चीज है। ये अपन ने पहले ही पढ़ रखी कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन कौन सी होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड कौन सी होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन कौन सी होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। और एक डिस्टेंस इन दी एन एस सेकेंड वाली भी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो वो भी अपन देख लेते हैं एक बार, वो होती है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू टी माइनस वन। टी क्या है, एन एस सेकेंड, ठीक है। तो ये अपने पास पूरा रिविजन हो गया इसका, बंडी का। सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा अपन ने, वेलोसिटी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड टू द टाइम। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कि डिस्टेंस ज्यादा होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से, ज्यादा होगा तो क्या क्या कंडीशन है, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी थी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अगर वीटी ग्राफ दे रखा है तो उसका अगर एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, और अगर एटी ग्राफ पे अगर उसका एरिया निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाले, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी से अगर निकालें तो डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको इसको एक क्वेश्चन भी करके बता देता हूँ, जैसे मैं जैसे अपन को एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, अपन को देखा है एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फोर टी स्क्वायर प्लस टू टी, ठीक है। तो अपन को अगर वेलोसिटी निकालें तो क्या करेंगे अपन, डी एस बाई डी टी, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एट टी प्लस टू, ठीक है। और अगर अपन को अब एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, डी वी बाई डी टी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एट, ठीक है। तो इसका एक एप्लीकेशन भी बता दिया मैंने आपको, कैसे अप्लाई करना है ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली कैसे अप्लाई करनी है, ये हो गया। और ये कुछ ग्राफ से इंपॉर्टेंट, और ये फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक बंडी के मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए आपको, ठीक है। और फोर मोर थिंग्स, यू कैन कॉन्टेक्ट अवर टीम एंड फॉर दिस सेशन यू कैन बुक अ फ्री सेशन अपन वेबसाइट www.expertto.signup.com एंड यू कैन फॉलो अपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब कम्युनिटी टेलीग्राम। तो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट दी काइनेमेटिक्स, थैंक यू।